कई बार कई साधक साधिकाएं हताशा में यह भाव प्रकट करते हैं कि ये विचार कैसे आ गया, मेरा तो ऐसा चिंतन था नहीं, ये कैसे विचार आ गया। आपके मन की क्या स्थिति है कि ऐसे विचार नहीं आ सकते। वे कहते हैं इस जन्म और जीवन में तो मेरा ऐसा चिंतन नहीं था, इस जन्म और जीवन में मेरा ऐसा चिंतन नहीं था, ये विचार कहां से आ गए। जो विचारों को देखता है वही अशुभ विचारों से अपने को बचा लेता है। ये बड़ी दृष्टि है कि ये विचार कहां से आ गए, ये चिंतन कहां से आ गया, मेरा तो ऐसा चिंतन इस जन्म और जीवन में नहीं था। विचारों की श्रृंखला केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है, अनंत काल से ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है, आत्मा के साथ ही अंतःकरण है। विचार आ गया और चला जाएगा, हम हताशा निराशा कुंठा मैं थोड़े ही चले जाएंगे। कोई भी अनियंत्रित विचार आए, वो दरवाजा खटखटा रहा है, वो दरवाजा खटखटा कर चला जाएगा, हम थोड़े खोलने जा रहे हैं, हम थोड़े उसका स्वागत करने जा रहे हैं। विचार आएगा तो जाएगा, आप क्यों घबराते हो, आप बैठे रहो, अपने में स्थित रहो, आप जहां हो आप वहां रहो, विचार आएगा चला जाएगा। वो दरवाजा खटखटा रहा है, आप थोड़ी खोलने जाके उसको चाय नाश्ता कराओगे, वो आएगा वो भाग जाएगा, आप जहां हो वहीं रहो। विचारों की श्रृंखला का संबंध केवल इस जन्म और जीवन से नहीं है। विचार आएंगे चले जाएंगे, वो हमारा दरवाजा खटखटाएंगे, हम अपने श्रेष्ठ कार्य में हैं, हम श्रेष्ठ चिंतन में, हम सत संगति में हैं। तो कई बार ऐसे अनियंत्रित विचार से साधक घबरा जाते हैं और समक्ष आकर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। जीवन हताशा निराशा कुंठा अवसाद में ना बीते, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा आनंदमय है। जीवन का आधार परमात्मा शांतिमय है। तो विचारों के उतार चढ़ाव पर एक साधक नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, जिससे यह पता चलता है मस्तिष्क शांत है, और केवल शांति नहीं है, केवल शांति नहीं है, वो अलर्ट है, जागरूक है, रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर 192 इलेक्ट्रोड से प्रयोग किया गया, जो आज तक किसी भी योग प्रणाली पर किया गया प्रथम प्रयोग है, पहला प्रयोग है, जिससे यह पता चलता है प्रथम भूमि की साधना के ही परिणाम मनोचिकित्सकों को साइकेट्रिस्ट को आश्चर्यचकित करने वाले हैं। कि साधक का मन केवल शांत नहीं है, शांत तो है ही है, वो जागरूक है, एक साथ शांति है और सचेतता है, क्या बात है। ये अभी प्रथम भूमि का परिणाम आया है। जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो जीवन है क्या इसका अनुभव करना चाहते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास पुरुषार्थियों का मार्ग है, परम पुरुषार्थ का मार्ग है, ये सामान्य पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं होता। बहुत से व्यक्ति कहते हैं ध्यान साधना ये भक्ति भाव तो उनके लिए है जो जीवन से अलग है, जो जीवन से भाग गए हैं, ऐसा भी कहते हैं। जीवन से भागने वालों का नाम ध्यान है, साधना है, भक्ति भाव है, ऐसा बोलते हैं। बहुत लोगों का चिंतन है ऐसा,
ध्यान साधना जीवन से भागने का नाम नहीं है, यह बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। इनकी इस बात को सुनकर ऋषियों का आदेश याद आ जाता है, ऋषियों का सत्य सिद्धांत। ऋषियों ने क्या कहा कि ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ये तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, ये जानते हैं कि शरीर ही संसार ही, ये भोग ही पदार्थ ही, ये संबंध ही सब कुछ, ये जीवन से भागने वालों का नाम अध्यात्म, ये तो ये जानते हैं। ऋषियों ने क्या कहा, ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है बल्कि झूठा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, असत्य ज्ञान, इसकी जड़े बड़ी मजबूत हैं, इसकी जड़े बड़ी मजबूत। इनकी इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि अविद्या का क्षेत्र कितना विस्तृत है, अंधेरा कितनी बड़ी सीमा में कायम है। जो वस्तु जैसा रहे, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का। वास्तविक लक्षण है, यथार्थ लक्षण है। हम जानते तो बहुत हैं लेकिन उसमें संशय है, हम जानते तो बहुत हैं, हम तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं लेकिन हम जितना जानते और समझते हैं उसमें अज्ञान है, उसमें संशय है, उसमें भ्रम है, उसमें त्रुटियां होती हैं। जो वस्तु जैसा रहे, एक शब्द में सद्गुरुदेव ने हमारे अज्ञान का कैसे समन किया है, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, बात खत्म। रूप बोध निर्भ्रांत है संशय ही न सज्ञान, ये जानते तो बहुत है यही सब कुछ है, ये शरीर है, ये संसार है, ये भोग है, ये पदार्थ है, मेरी ये स्थिति है, खाना पीना सोना बैठना उठना, ये संगति, यही सब कुछ है। यह ध्यान साधना भक्ति भाव यह आराधना के हमारे उनके लिए है जो जीवन से अलग हैं, जो जीवन से भाग गए। वस्तुतः यह जो जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जो जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये ध्यान है, उनके लिए साधना है, उनके लिए ये सत्संग है, उनके लिए ये सेवा भाव है, ये साहेब की साहबी है साहब। क्योंकि जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया तो इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य को जान लिया। स्वरवेद महामंदिर में स्वरवेद के दोहे तो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बिखेर ही रहे हैं। साहेब की अनेकों साखियां, साहेब के अनेकों भजन, साहेब की अनेकानेक वाणियां स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली हैं, दीवारों की शोभा बढ़ाने वाली। गुलाबी गुलाबी लाल पत्थरों से, पिंक सैंड स्टोन से हमारा स्वरवेद महामंदिर सजता जा रहा है। हमारा प्यारा स्वरवेद महामंदिर समरता जा रहा है और लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है, प्रशस्त करता है। एक एक पत्थर को सजाया जा रहा है, एक एक पत्थर को अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, एक एक पत्थर को कितनी अच्छी नक्काशी से खूबसूरत बनाया जा सकता है। स्वरवेद महामंदिर गुलाबी सैंड स्टोन से सजता जा रहा है, समरता जा रहा है,
ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले। पिछले वार्षिक महोत्सव में जब हम अपने संत समाज का 98वां वार्षिक महोत्सव मना रहे थे, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? कहा, जब ये स्वर्वेद महामंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, जब ये स्वर्वेद महामंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, ये केवल काशी के लिए ही नहीं, केवल वाराणसी के लिए ही नहीं, ये स्वर्वेद महामंदिर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजराना होगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक नजराना होगा। एक एक पत्थर की नकाशी को देख रहे थे, पूछ रहे थे, ये पत्थर में बना है, किस पत्थर से है? सैंडस्टोन से है कि संगमरमर पत्थर है? एक एक पत्थर की नकाशी को देख रहे थे। ऐसा महामंदिर जहां एक साथ 1-2 हजार नहीं, 4-5 हजार नहीं, स्वर्वेद महामंदिर के आंगन में इसके सातों तलों पर एक साथ 20,000 से ज्यादा भाई बहन बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते। लाखों घनफुट पत्थरों से सजता जा रहा है, समरता जा रहा है। स्वर्वेद के दोहे, साहेब की वाणियां, उपनिषदों के प्रसंग, उपनिषदों में अनंत ज्ञान का प्रवाह है। विश्व के बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे देश की उपनिषदों से अनंत ज्ञान का अनुभव करते हैं। उपनिषद का अर्थ है उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग करना, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना। जिज्ञास होकर विश्व आवे, कर्म गति हम से पढ़े, वंदना में हम गाते हैं। मैं बराबर कहता रहता हूं, पहले से ही कहता आ रहा हूं, स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाने से, सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति का निर्माण संपन्न हो जाने से, जैसी रूपरेखा बनी है स्वर्वेद महामंदिर के, इन समस्त कार्यों के हो जाने से देश ही नहीं, पूरे देश के साथ विदेशों में भी ब्रह्म विद्या का प्रचार, सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार, सद्गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से होगा। हजारों हजार पर्यटक देश के विभिन्न भागों से, वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, ये काशी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, और इस संस्कृति के केंद्र में, इस सांस्कृतिक राजधानी में ये दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्वर्वेद महामंदिर के रूप में है। अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? निरंतर इस पर चिंतन है, निरंतर इस पर विचार है, निरंतर इस पर कार्य है। अति शीघ्र ही सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति, जो लगभग स्वर्वेद महामंदिर की ऊंचाइयों वाली ही होगी, सद्गुरुदेव की एक दिव्य भव्य प्रतिमा का निर्माण हम सबों को मिलकर यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है।
गुरुमु रति गति चंद्रमा, गुरुमु रति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमु रति की ओर, गुरुमु रति की ओर। जो गुरु की मूर्ति है वही शिष्य के कल्याण की मूर्ति है, आवागमन के बंधन से छूटने की वह दिव्य भव्य मूर्ति है। स्वरवेद महामंदिर स्वरवेद को ही समर्पित है। साहेब की वाणियां हैं होंगी इसमें, अनेकों साखियां, अनेकों भजन, साहेब के दिव्य आध्यात्मिक संदेश, सत्य को कहने का जो सामर्थ्य साहेब की वाणियों में है वैसा दुर्लभ है, वैसा दुर्लभ है। उनकी वाणियों का अनुकरण नहीं हो सकता, दूसरा अब कोई उनकी जैसी वाणी नहीं बोल सकता, उनकी जैसी वाणी नहीं बोल सकता। साहब ने जितना बोला है और जितना जबरदस्त बोला है, एक एक शब्द जैसे उनके, जैसे दूसरा स्वर वेद नहीं हो सकता उसी प्रकार दूसरा बीजक नहीं हो सकता, उसी प्रकार दूसरा साहेब का भजन कोई नहीं बना सकता। काल जयी व्यक्तित्व विद्यमान है साहेब की वाणियों में, साहेब के शब्दों में उनका काल जयी विराट व्यक्तित्व विद्यमान है। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है साहेब के सामने? भाषा और व्याकरण साहेब की शिष्या है, भाषा और व्याकरण साहेब की शिष्या है। साहब जो कहना चाहते हैं, जिस रूप में अपनी बात को कहलाना चाहते हैं, भाषा और व्याकरण से कहलवा देते हैं, भाषा और व्याकरण कह देता है। उनके सामने लाचार नजर आती है भाषा और व्याकरण। साहब की अपनी भाषा है, साहब की अपनी मस्ती है, साहब का अपना रंग है, साहब की अपनी शक्ति है, साहब की अपनी चेतना है। उसे बुद्धि के आधार पर भाषा और व्याकरण से साहब को समझना कठिन है, जितना समझेंगे वो अल्प होगा। साहेब को वास्तविक रूप से जानने के लिए साधना का बल चाहिए, साधना की गहराई चाहिए, सेवा भाव चाहिए, खूब खूब सत्संग चाहिए और साधना का अभ्यास चाहिए, गुरु की कृपा का आधार चाहिए, तब साहेब को वास्तविक रूप में समझ पाते हैं। तो साहेब के साहब की अनेकों वाणियां, उनके शब्द स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर श्वेत मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण किए जाने हैं। अभी ये कार्य आगे करना है। उनकी दिव्य वाणियों का संग्रह, उपनिषदों के प्रसंग, गुरु शिष्य संवाद के रूप में, गुरु शिष्य संवाद के रूप में उपनिषदों में अनंत ज्ञान का भंडार छिपा है, अनंत ज्ञान का भंडार छिपा है। शिष्य की जिज्ञासा है, शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। ऐसे ही हमारे देश की उपनिषदें बन गई, विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक जिसकी गाथा गाते। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। चार प्रकार के भक्त हैं, चार प्रकार के भक्त हैं। एक है आर्त, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा भक्त है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तीसरा अर्थार्थी है, चौथा ज्ञानी भक्त है। तो भक्तों की श्रेणियां हैं, भक्तों के प्रकार हैं। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। जब भी कोई संशय है अपना संशय प्रकट करना चाहिए। वैसे स्वरवेद के स्वाध्याय से, सत्संगति से
विहंगम योग का ज्ञान ही ऐसा है कि समय समय से जो भी हमारे संशय हैं वो सद्गुरु कृपा के आधार से स्वतः ही मिटने लगते हैं, मिटते जाते हैं।